ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि संजय राउत जो कि राज्यसभा सांसद हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने संजय राउत के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें उन्होंने कल एक विवादित बयान दिया था जिसके बाद सदन में काफी हंगामा हुआ था और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग हो रही थी और अब ये कार्रवाई हो गई है। संजय राउत के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। मेरी सहयोगी शिवानी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवानी, आखिर क्या कुछ कहा गया है इस नोटिस में संजय राउत के खिलाफ? आपको बता दें कि कल मीडिया को संबोधित करने के दौरान, उनसे बातचीत करने के दौरान, पहले तो संजय राउत ने एकनाथ शिंदे द्वारा चलाई जा रही शिवसेना के ऊपर अपना आक्रमण दिखाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरे विधि मंडल को यानी कि पूरे विधानसभा को चोर कहा। उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा मंडल है, ये जो पूरी टोली है, वो चोरों की है और इसी को लेकर नाराजगी दर्ज कराते हुए विधि मंडल के अंदर काफी ज्यादा बहसबाजी हुई। यहां तक कि खुद महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सवाल उठाए कि यद्यपि संजय राउत ऐसा पूरे विधानसभा को कह रहे हैं तो वो किसी पार्टी का नहीं बल्कि इस सभा का अपमान कर रहे हैं। इस सभा का हिस्सा खुद उद्धव ठाकरे भी हैं तो क्या संजय राउत उद्धव ठाकरे को भी चोर कह रहे हैं? इन सारी चीजों की बात रखी गई जिसके बाद एक टीम बनाई गई है, गठित की गई है टीम जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी कि किस तरीके के स्टेटमेंट संजय राउत ने दिए हैं और क्या वो उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं या फिर बाहर। इसी को लेकर संजय राउत के भांडुप स्थित जो निवास है वहां पर एक नोटिस इशू किया गया है कि उन्हें 3 मार्च तक आना होगा और अपना स्टेटमेंट रखना होगा, अपनी तरफ से बताना होगा कि उन्होंने ये जो बयान दिए हैं वो किन आधारों पर दिए हैं, किन तथ्यों पर दिए हैं और क्या ये उनकी पद की गरिमा के अंतर्गत आता है। हालांकि अभी तक संजय राउत ने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया है क्योंकि वो कोल्हापुर में मौजूद है, लेकिन साफ तौर पर महज एक दिन का समय संजय राउत के पास होगा यानी कि कल उन्हें इस गठित टीम के समक्ष आना होगा अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए और क्लैरिफिकेशन देना होगा क्योंकि साफ तौर पर इसे किसी अपोजिशन पक्ष या फिर विपक्ष के खिलाफ में नहीं बल्कि पूरी विधानसभा के खिलाफ में देखा जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब संजय राउत को अपना बयान दर्ज करवाना होगा। बहुत बहुत इस पर अपडेट आपको देते रहेंगे। शिवानी मेरी सहयोगी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगली